बिग बॉस सीजन 14 का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन आखिरी हफ्ते में बहुत कुछ बदलाव आने से पहले पिछले हफ्ते की और मैक्स रैंकिंग जानना तो बनता है। चलिए बता दियो आपको किसने इस बार चार्ट को टॉप किया है, क्या है रैंकिंग्स इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई यूजुअली और मैक्स की रैंकिंग बदलती है, लोग उसके अंदर बदलते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, चेहरे ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते जो ऑरमैक्स रैंकिंग थी वो एज इट इज सेम है इस हफ्ते भी, क्योंकि कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। अब जब घर में लोग ही नहीं बाकी हैं उतने, तो रैंकिंग्स में भी कुछ खास बदलाव नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। बता दे रहे हैं पिछले हफ्ते की ऑरमैक्स रैंकिंग, यानी कि 13 फरवरी तक ऑरमैक्स रैंकिंग में कौन है सबसे आगे और कौन है सबसे पीछे, कौन है टॉप 5 घर के अंदर। नंबर 1 पर एज इट इज रुबीना दलेक नजर आ रही है, नंबर 2 पर नजर आ रहे हैं राहुल कृष्ण वैद्य, नंबर 3 पर नजर आ रही है एंटरटेनर राखी सावंत, नंबर 4 पर नजर आ रहे हैं अली गौनी और नंबर 5 पर नजर आ रहे हैं इविक्टेड कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला। जी हाँ, अभिनव शुक्ला घर के अंदर आधे हफ्ते के लिए थे, उसके बाद घर से इविक्शन हो गया उनका, लेकिन घर के बाहर आने के बाद उनको इतना बड़ा ट्रेंड जो मिला है इस सीजन का, 2.3 मिलियन ट्वीट्स उनके नाम पर आए हैं, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे इस लिस्ट में होना, क्योंकि वो पॉपुलर हैं और उनके बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं। तो भाई ये हैं 5 सदस्य जिन्होंने अपनी जगह बनाकर रखी और मैक्स लिस्ट में एज इट इज, और अपनी पोजीशंस हिलाई डुलाई या फिर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको जो है कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। आप किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आप किसको मानते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर, और आप किसको फिनाले में देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, इनफैक्ट टॉप 2 में देखने के लिए उत्सुक है, जल्दी से बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि कौन है आपके टॉप 2। मैं जानना चाहूंगी, और हमारे साथ जुड़े भी रहे, क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।